ये कंट्रोल सिस्टम्स के एमसीक्यूज़ हैं, आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस, यू माइट हैव रेड इट इन योर बुक, कोर्स बुक, कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, बेसिस, स्पेस और यूनिट। द आंसर विल बी बेसिस। सेट ऑफ वेक्टर्स को इन एनी वेक्टर स्पेस उसको हम बेसिस बोलते हैं। या आपका स्टेट वेक्टर जो एक चैप्टर है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, जिसमें आप लिखते हो ना डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये उसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विद फीडबैक सिस्टम राइजेज स्लोली, राइजेज क्विकली, डिकेज स्लोली और डिकेज वेरी क्विकली। सो द आंसर विल बी कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है चेंजिंग कंडीशंस विच इज सेड विद फीडबैक सिस्टम, इट डिकेज क्विकली, ये जल्दी से डिके हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, नो, डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल डेटा सिस्टम, नो, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, येस, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, नो। स्टोकेस्टिक क्या होता है, इट इज़ रैंडम इन नेचर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यू नो इन क्लोज लूप सिस्टम आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट, देर इज अ फीडबैक ऑल्सो। सो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमेटिक राइस कुकर्स और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द रेफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, नो, जीरो सीक्वेंस, नो, एक्चुएटिंग सिग्नल, येस, प्राइमरी फीडबैक, नो। सो द एक्चुएटिंग सिग्नल इज द रेफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक। दिस यू हैव, आई थिंक दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ना इन कंट्रोल सिस्टम, दिस इज एच एस, दिस इज योर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इफ इट इज वन, दिस इज जी एस फॉरवर्ड पाथ गेन, दिस इज यू नो सी एस हेयर आउटपुट, सी एस इज इक्वल टू वॉट, वाई एस अपॉन एक्सिस ना, वी टेक इट लाइक दिस ना, और यू कैन से इट माइट बी सी एस और एच एस ट्रांसफर फंक्शन। सो एक्चुएटिंग सिग्नल इज द रेफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट, विच हैज़ द टेंडेंसी टू ऑसिलेट, क्लोज लूप, ओपन लूप, बोथ और नन ऑफ दीज। सी द आंसर विल बी क्लोज लूप सिस्टम हैज़ द टेंडेंसी टू ऑसिलेट बिकॉज इट इज ऑल्सो द फीडबैक कनेक्शन। नेक्स्ट इज, अ सिग्नल अदर दैन द रेफरेंस इनपुट टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज नोन एज डिस्टर्बेंस, कमांड, कंट्रोल एलिमेंट और रेफरेंस इनपुट। द आंसर इज, अ सिग्नल अदर दैन द रेफरेंस इनपुट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट, that is going to influence the value of control variable is mainly the disturbance, okay. Next is, as compared to a closed system, an open loop system is more stable as well as more accurate, no, or less stable, less accurate, no, more stable but less accurate, yes. The answer is this, less stable but more accurate, no. In open loop system there is no feedback, so the gain is uncontrollable, you know. So it, we can take it as that it may be more stable but it gives less accurate readings, less accurate results we get, okay. Next question is, in a control system integral error compensation either increases or minimizes steady state error or does not have any effect on steady state error or any of the above. The answer will be, in a control system integral error compensation minimizes the steady state error. Next is, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉगस टू, एनालॉगस मीन्स सिमिलर, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज सिमिलर टू कैपेसिटेंस, नो, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, करंट और रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस आर नो ऑप्शंस। इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज रिलेटेड टू द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, सो द आंसर विल बी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके। सो थैंक यू, इफ यू लाइक माई क्वेश्चंस please like, share and subscribe, okay. Till then, goodbye, okay. Let's have a look. Thank you, okay.